आज हम बेसिकली बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर सेंसर के बारे में। इसका मॉडल नंबर है E3XNA11। ये बहुत इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये वाला सेंसर। इस सेंसर की ऑपरेटिंग वोल्टेज है 10 to 24 वोल्ट VDC। सेंसर में बेसिकली तीन वायर्स हैं, दो पावर सप्लाई की और एक है आउटपुट पॉइंट। ये सेंसर PNP आउटपुट NPN आउटपुट का सेंसर है। अब इस सेंसर को बेसिकली देखते हैं इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। ये यहाँ पे इंडिकेशन है सेंसिंग रेंज के साथ, ये LED इंडिकेट करेगी कि सेंसिंग रेंज में टारगेट और पास आ रहा है। ये यहाँ पे सेंसिंग एडजस्टमेंट का पोर्ट है और ये यहाँ पे लाइट और डार्कनेस का स्विच है और यहाँ पे एक डिले का स्विच है। यहाँ पे इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा है क्यों दिए हैं स्विच। ये तो हो गया ऑप्टिकल फाइबर का सेंसर का एम्पलीफायर। और ये है ऑप्टिकल फाइबर, ये बेसिकली डिफ्यूज टाइप की ऑप्टिकल फाइबर है। इसका डायमीटर 8 mm है। डिफ्यूज टाइप का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ, इसमें इनबिल्ट ट्रांसमिटर रिसीवर एक ही डाया में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसको यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने के लिए इसका ये वाला पार्ट इसको ऐसे खोलना है और यहाँ पे क्लॉकिंग स्विच है, इसको ऊपर करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे दो पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर के, एक ट्रांसमीटर का है, इसको हमने ट्रांसमीटर वाली साइड पे लगाया, और एक रिसीवर का एंड है। ये दो प्लग इन हो चुके हैं और ये यहाँ पे इसको थोड़ा प्रेस करके इसको लॉक करना है बेसिकली यहाँ पे। तो ये लॉक हो चुके हैं, अब ये बाहर निकलेगा नहीं। ये हमारा सेंसर रेडी हो चुका है एकदम फॉर यूज़ के लिए। अब हम सप्लाई देंगे सेंसर को। सबसे पहले मैं इस कंट्रोल यूनिट को एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे सेंसर को बेसिकली सप्लाई दे रही है और यहाँ पे पावर ऑन मैंने कर दी। ये दो AC के दो पॉइंट्स है जो इसको सप्लाई दे रही है और यहाँ पे सेंसर कनेक्टेड है। NPN टाइप का सेंसर था तो पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे आउटपुट कनेक्टेड है। इनबिल्ट एक रिले लगी हुई है, जब सेंसर के सामने टारगेट आएगा अंदर, ये यहाँ पे ये रहे ऑप्टिकल फाइबर, और इसके सामने जब टारगेट आएगा तो ये बता पाएगा कि अंदर रिले की साउंड से पता लग पाएगा कि टारगेट इसके सामने आ चुका है। मैंने अभी सेंसर को सप्लाई दी है और जैसे इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिकेशन में, जैसे रेंज के साथ भी एलडी धीरे धीरे इंडिकेट इंक्रीज होती है एलडी का। यहाँ पे सेंसर की सेंसिंग रेंज भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेंसिंग रेंज एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक सेंसिंग पोर्ट दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करने के लिए इसको इस तरफ और मिनिमाइज करने के लिए इसको इस तरफ। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं, एक ये स्विच दिया हुआ है और एक ये वाला स्विच दिया हुआ है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ ये बेसिकली है क्या। इस स्विच में लिखा हुआ है एक जगह L और एक जगह D। सिंपली ये समझ लो कि यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट बनेगा और यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट बनेगा। अगर मैं इस तरफ स्विच करता हूँ इसको राइट हैंड साइड, तो ये यहाँ पे टारगेट, तो ये रिले तब ऑन होगी जब कोई टारगेट है नहीं, और जब मैं इसको इस स्विच पे रखता हूँ तो रिले तब ऑन होती है बेसिकली जब कोई टारगेट के सामने आता है। अब रिले ऑन हुई है। सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये NO पॉइंट हुआ, ये NO पॉइंट हुआ इसका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड NC पॉइंट हुआ। सेंसर का बेसिकली ये एम्पलीफायर है, इसमें वेरिएंट्स आते हैं ऑप्टिकल फाइबर के वेरिएंट्स। बेसिकली इसमें ट्रांसमिट रिसीवर एक ही में है, इसको डिफ्यूज टाइप ऑप्टिकल फाइबर कह रहे हैं, और एक थ्रू बीम ऑप्टिकल फाइबर भी आती है जिसमें ट्रांसमीटर एक अलग साइड पे होता है और एक रिसीवर एक अलग साइड पे होता है। उसके बीच से जो ऑब्जेक्ट पास होएगा वो यहाँ पे थ्रू बीम कहलाएगा उसके लिए। इन सेंसरों का मेन एप्लीकेशन ये होता है जब बहुत छोटे टारगेट होते हैं, अराउंड इसकी जो 5 mm का अगर टारगेट है या फिर 1 mm का टारगेट है और इसको सेंस करना है हमें, तो ये सेंसर उसको सेंस करने के लिए सबसे बेस्ट होएगा, ना कि एक फोटो सेंसर यूज़ करे। और ये सेंसर वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी का ऑब्जेक्ट अगर पास हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर भी कहते हैं हम इसको। अगर टारगेट बहुत स्पीड से इसके सामने से गुजर रहा है तो विदाउट एनी मेल फंक्शन डिटेक्ट करना है, तो ये सेंसर वहाँ पे भी यूज़ होता है।